सर प्रणाम सभी मित्रों को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो डीजे और साउंड का काम करते हैं। डीजे एंड साउंड का जो काम करते हैं, अगर आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है, आपकी मशीनें फूक सकती हैं। तो इसके लिए आज मैंने टॉपिक बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लैक कलर का आप लोगों को आइकन दिख रहा होगा, जस्ट सब्सक्राइब का बटन दबा दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं पहले, और उससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर बनता है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस इक्विपमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसके मैं आप लोगों को दर्शन करा दूँ। ये देखिए, कुछ भाई लोगों के पास ये इक्विपमेंट होगा, या लगभग सभी डीजे साउंड वालों के पास होता है। जिन लोगों के पास नहीं होता है वो ज़रूर देख ले, और सबसे अच्छा इक्विपमेंट है ये, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको यहाँ से, ये देख सकते हैं, ये मैंने खोल दिया है। तो दोस्तों ये है हमारा स्टेबलाइज़र, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेबलाइज़र का। तो दोस्तों आप देखिए, ये अगर आपका प्रॉपर बना हुआ होगा अप एंड डाउन के साथ, तो आप लोगों के एम्पलीफायर ज़्यादा वोल्टेज के कारण आप लोग इनको बचा सकते हो, ये देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो स्टेबलाइज़र में 250 वोल्टेज आ रही है। तो आप लोगों के जो जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे मॉसफेट, मिक्सर या कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल 220 वोल्टेज लिखा रहता है बैक साइड पे। 220 से और 230 के हमें वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज के कारण वो क्षति हो सकती है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे 250 वोल्टेज आ रही है, और ये इसका रोटेड है जिससे हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी 2 नंबर पे है, और अब हम इसे थोड़ा डाउन करते हैं वोल्टेज को। तो हमारा ये अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने MCB लगा रखी है, तो अभी ये ऑफ में चल रहा है, तो अभी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे घुमाने से। तो हमें इसको सबसे पहले ऑन मोड में डाल देना है। तो ये ऑन हो गया है, अब आप देख सकते हैं ये 251 और 50 दिखा रहा है। अब हम यहाँ से इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्ट वोल्टेज आ रही है, अभी ये इसमें इसका लोड नहीं पड़ रहा है, अभी ये डायरेक्ट वोल्टेज है। तो हम इसको डाउन में कर देते हैं, ये हमने डाउन कर दिया। तो अब हम इसको वोल्टेज को जरा चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, जैसे ही 2 में डाउन में डाला, 2 हमने किया, तो ये हमारा 232 वोल्टेज हो गया, 232 हो गया, ये हो गया हमारा। और कम करेंगे 218 हो जाएगा, हमें और थोड़ा सा कम करना है। तो हमने इसको चिट में डाल के हमने इसको 200 199, हालांकि हमें वोल्टेज जो चाहिए होती है वो 220 से और 230 के करीब, मतलब ये वोल्टेज हमारी ओके है, क्योंकि अभी ये डाउन में हमारा है, डाउन में हम इसको करेंगे तो वोल्टेज डाउन हो गया। अब हम चलते हैं अप की ओर। तो दोस्तों मैं इसे घुमा रहा हूँ अप की ओर, अब देखते हैं 267 ये दिखा रहा है, अब ये देख सकते हैं अप में वोल्टेज 267 है। तो अब हम इसको और करेंगे तो ये कट हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमारी अगर वोल्टेज 260 से ऊपर आती है तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं फूकने वाला है। तो दोस्तों इसको कम करते हैं, हमने इसको, तो हमें इसको डाउन में डाल देते हैं फिर, क्योंकि वोल्टेज पीछे से ज़्यादा आ रही है, और अगर हमें वोल्टेज अपनी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पे 215 आ गई है, यहाँ पे 3 नंबर पे ये हमारी ओके वोल्टेज है, 215 20 25 30 तक कोई दिक्कत नहीं है, 200 से और 220 30 तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा होगी तो हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। देख सकते हैं ये है, और इसको हम
यहाँ से इसमें एक और रोटेशन दिया है ऑफ का, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ से भी है, एमसीबी भी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका देख सकते हैं, इसमें अंदर हमारा इसके अंदर छेद दिया गया है, जैसे वेंटिलेशन हमें पार होती रही। तो जिन भाइयों को भी ये स्टेबलाइज़र आप लोगों को चाहिए होगा वो परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही कम दामों में मैं दे रहा हूँ इनको। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी 10-12 स्टेबलाइज़र रखे हुए हैं, जिनको भी चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ब्लैक वाला बटन सब्सक्राइब लिया लिखा हुआ है उसमें, जस्ट उसको पुश कर दें, सब्सक्राइब हो जाएगा और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद।